गालियां, मेरी मरी मेरी वालदा फौत हुई है उसको, उनको गालियां निकाली, मेरी माँ बहन बेटियों को हर एक को उन्होंने गाली निकाली। फौज का बंदा है तू कौन है, तू को मतलब आजा बंदा है कौन है तू जेड़ा तू एडा लड़दा फिरना। पहले भी मुझे एक बार दो बार ऐसा हुआ है कि तीन दिन की मेडिसिन मिली और मुझे मैसेज जो आया अथॉरिटी की तरफ से, अच्छा ऐसा डीयू जो भी है इनका इदारा, उनकी तरफ से मैसेज आया कि आपको पांच दिन की दवाई मिली। सर मौजूद है हम मुतासर भाई के पास जिनको जनरल हॉस्पिटल के अमला नहीं कहेंगे गुंडे कहेंगे, डिस्पेंसर साबर ने तशद्दुद का निशाना बनाया अपने साथियों के साथ मिलकर, जुर्म क्या था, दवाई लेने गए थे। जाहिर सी बात है फ्री की दवाई है, गरीब बंदा दवाई लेने जाएगा, अगर कोई बंदा वहां पे दवाई आपको मुकम्मल नहीं देगा तो इन्होंने सवाल किया यार दवाई मुकम्मल दे दे मैं फिर इतनी गर्मी में आऊंगा। तो वहां से वो सारा क्या मामला हुआ, क्या वाकयात हुआ, क्या धमकियां लगाई गई, क्या सूरत हाल है, अब तक भाई मौजूद है हमारे साथ, हम इनसे पूछे कि गुलशन भाई क्या मामला पेश आया, क्या वाकया पेश आया था ये। जी अस्सलाम वालेकुम, असल में मैं काफी दिनों से मेरा एलर्जी सी कोई हुई थी जिससे बलगम और खांसी बहुत ज्यादा आ रही थी जी, तो सोया तक नहीं जाता था। तो काफी दिन गुजारने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं हॉस्पिटल चेक करवा ही, ठीक है। तो मैंने मेरा वैसे भी साइकेट्री का इलाज चल रहा है, मुझे पैनिक अटैक्स आते हैं, ठीक है। तो उसका इलाज तकरीबन एक साल से चल रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं जी, तो उनसे मैं इलाज करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे पता था कि इसमें ज्यादा गोलियां लिखी हुई हैं, तो मैंने उससे बोला भाई पर्ची आप देख लें एक बार, तो ये दवाई ज्यादा लिखी हुई है तो आप देख लें कि आपने कम दी है मुझे। उसने बड़ी बदतमीजी के अंदाज में कहा जिन्हें लिखती है ना ले जा, अच्छा फिर ले जी। तो मैंने कहा भाई आप पूरी दे दें, अगर कोई उसने बताया नहीं कि स्टॉक शॉर्ट है या मेडिसिन ऐसा कुछ नहीं, ऐसा उसने कुछ नहीं, उसने ये कहा कि हमने दूसरों को भी देनी होती, ठीक है। तो मैंने कहा भाई जितनी लिखी है कम से कम आधी तो देना। तो मैंने कहा ये तीन दिन की देते हैं, तीन दिन की आपको दे दी है, मैंने कहा ये तीन दिन की नहीं है, ये सिर्फ पांच गोलियां तीन दिन के लिए, तो यहीं से ले लेना, मैं इसलिए इधर आया हूँ। तो इतने में उसको पता नहीं किस बात से तैश आ गया, वो उसने ना मेरा गिरेबान पकड़ लिया, अच्छा उन्होंने मेरा गिरेबान पकड़ लिया। मैंने कहा मुझे टच नहीं करना, हाथ नहीं लगाना मुझे, मैंने ऐसे कहा तू कहूंगा तेरी ऐसी दिता ऐसी हाथ नहीं लाना, तू कोई एमएनए फलाना टमकाना। तो उसने मुझे पकड़ के ना ऐसे आपको डिस्पेंसर बदमाश आपको गार्ड वगैरह नहीं था, तो उन्होंने गार्ड वगैरह तो नहीं था वहां पे, गंदी गालियां मेरी मरी मेरी वालदा फौत हुई है उसको, उनको गालियां निकाली, मेरी माँ बहन बेटियों को हर एक को उन्होंने गाली नहीं, कोई गाली उसने साबर ने छोड़ी नहीं है, ठीक है ठीक। और वो उस टाइम फुल रेसलर बना हुआ था मेरे ऊपर चढ़ के उसने मुझे मारने की कोशिश की, और शायद बोतल भी उसने मुझे मारी, अच्छा। और मुझे ये शक पड़ता है कि उसने शायद बोतल मुझे मारी क्योंकि वहां बोतल टूटी हुई पड़ी थी, ठीक है ठीक है। और उसके कुछ कचरे जो है ना वो मेरे उठते समय मेरे यहाँ पे इधर उधर लगे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसने मुझे मारा तो यहाँ आप अपने इनको स्टाफ को समझाया कि बदतमीजी ना करें, दवाई पूरी दे दें। फिर तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं यदि कल ही हत्या इज्जत का कानून पास हुआ है, मैं इसके ऊपर हत्या इज्जत का दावा दायर कर दूं तो ये अंदर ही सड़ जाएगा, अंदर ही रह जाएगा। अच्छा वो मैडम ऑफिस में बैठी हुई थी वो डीएमएस के कमरे, अच्छा या सारे जमा हुए क्या कि मैं इस पर केस कर दूंगी, हाँ मैं इस पे हत्या इज्जत का केस करूंगी, इसने मॉब इकट्ठा किया है और इसने औरतों का लिहाज नहीं किया, इस तरह किया वो तशद्दुद भी आप एक हमले ने कटवा रहे थे वो, ठीक है। तो फिर पुलिस वाले ने मुझे कहा कि गुलशन भाई जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा, अगर आप केस को प्रोसीड करना चाहते हैं तो ठीक है, जैसे FIR दोनों पे कटेगी, ठीक है, फिर आप आगे जो भी होगा वो कर लीजिएगा। तो अगर आप यहाँ पे ही मामला रफा दफा करना चाहते हैं तो फिर भी देख लें। तो इन्हीं में से दो तीन बंदे उठ के आए कि भी ये एक ने मुझे कहा कि तू कोई MLA का बंदा है, तू कोई इंटेलिजेंस का बंदा है, तू कोई फौज का बंदा है, तू कौन है, तू कोई मतलब आजा बंदा है कौन है तू जेड़ा तू एडा लड़दा फिरना, तू एडा बदमाशी कर रहा है, धमकी भी, हाँ जी तू एडी बदमाशी। मैंने बारहा अपनी बात सुनाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने हर बार मुझे को टोका रोड़ी मैं था, अच्छा। और माफी भी मैंने मांगी और लिख के माफी मांगी और उनमें से किसी ने माफी नहीं मांगी, अच्छा यार हमारा कसूर था जिस वजह से तुम्हें सफर करना पड़ा।
उन्होंने किसी ने माफी नहीं मांगी। ठीक है, और उसके बाद एक साहब थे वहां डीएमएस साहब थे शायद, उन्होंने वहां से मुझे ये जो मेडिसिन है ना जो मेरे काम की नहीं भी थी वो मुझे डबिया ला के दे दी, एक्स्ट्रा दे दी, आपको बेर कार्ड दे दी। अब आपसे इस अंदाजा लगाएं ये जो बेर कार्ड मेडिसिन आई है गवर्नमेंट के तो खाते से निकली है ना, अब ये किसके खाते में लिखी जाएगी? इसकी पर्ची मैंने तो नहीं दी। भाई मौजूद थे हमारे साथ, इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये हालात हैं जनरल हॉस्पिटल के मरियम नवाज साहब, करप्शन पे करप्शन, करप्शन पे करप्शन, कोई नहीं इनको मना कर रहा, कोई नहीं रोक रहा। भाई को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, उधर पे कोई मैम थी उन्होंने बकायदा इनको धमकी भी लगाई, मजबूरन इनको माफी मांगनी पड़ी क्योंकि इनके ये शरीफ शहरी है, इन्होंने समझा बेहतर है कहाँ धक्के खाऊंगा कहाँ जाऊंगा, माफी मांगी और आराम से घर आ गए। ये कानून है पाकिस्तान का, ये मामला है। हम कोशिश करते हैं कि इदारे इनके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। जो ये साबर नामी गुंडा बना हुआ है जनरल हॉस्पिटल में पाला हुआ है जनरल हॉस्पिटल वालों ने, इसका भी इंशाल्लाह कानूनी तरीके पे कोई ना कोई हुकूमत हल निकालेगी और इंतजामिया भी इस पे एक्शन लेगी। जब तक इंशाल्लाह इस पे एक्शन नहीं होगा तो हम इंशाल्लाह हर बार हर एक नई तरीके से इनकी करप्शन ढूंढेंगे और सबूत के साथ बेनकाब करते रहेंगे।